अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रोमा खान। आज मैं आप लोगों के लिए दही वाले कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही वाले यानी कीमे के कबाब बहुत ही सॉफ्ट एकदम बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार कबाब बन के तैयार होते हैं। एक थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसे बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कुक विद रोमा खान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, घंटी का जो बटन है उसे ऑल पे क्लिक कर लें, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया है, मतलब 500 ग्राम कीमा है, मशीन का कीमा है। इसे थोड़ा सा अगर आपका कीमा जाड़ा है तो मिक्सी के जार में घुमा लें और एकदम बारीक कर लें। मैंने इसे मिक्सी के जार में घुमा के थोड़ा और बारीक कर लिया था। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसे दरदरा सा पीस के उसका पानी एकदम छान लिया था छन्नी से, या आप कॉटन से भी पानी निचोड़ सकते हैं। उसका सब पानी उसका निकाल देंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे प्याज को। अदरक लहसुन डालेंगे 1 टेबल स्पून, बारीक चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं और पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी, हाफ कप दही। आप देख सकते हैं दही का भी पानी मैंने सारा निकाल दिया था छन्नी की मदद से। छन्नी में थोड़ी देर आप रख देंगे, फिर उसके बाद उससे दही को इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसमें मैं 2 हरी मिर्ची हैं ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा हरा धनिया है उसे ऐड कर दूँगी। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसी मसाले भी डाल लेंगे, पाउडर मसाले, नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिल्ली पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, चिल्ली फ्लेक्स है, धनिया पाउडर और अखा ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून लेंगे। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि चिल्ली फ्लेक्स भी हम साथ में डाल रहे हैं। अब इसमें मैं एक छोटा कप भर के गेहूँ का आटा है इसमें मिक्स करूँगी। मैंने यहाँ पे बेसन का ऐड यूज़ नहीं किया है, आपको लगे तो आप बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा इसमें साथ में मिला दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारे कीमे को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है हाथों की मदद से, मसाले सब अंदर तक के अच्छे से लग जाएंगे, उसमें दही वगैरह जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कीमे के कबाब मेरे और भी इसमें बहुत सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पे, लेकिन ये मैं दही के साथ कीमे के कबाब बना रही हूँ। अब इसे मैं बहुत नहीं 10 मिनट के लिए रख दूँगी ढककर, जब तक सारा मसाला जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा कीमे के साथ। 10 मिनट के लिए रखा है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा। अब इसे हम कबाब बना ले लेंगे। हाथों में थोड़ा सा अपने ऑयल लगा लेंगे, ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसका हम बहुत ही संभाल कर इसके कबाब बनाएंगे क्योंकि एकदम सॉफ्ट होता है। कबाब अपने हिसाब से छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं अपने हिसाब से आप। मैं यहाँ थोड़े से बड़े ही बना रही हूँ क्योंकि फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ये समेट जाते हैं, इसलिए थोड़े बड़े बनाएंगे तो ज़्यादा सही है। इस तरीके से आप कबाब बना के रख लेंगे। पहले ये मेरा एक कबाब बन के रेडी हो गया, मैं आपको अब दूसरा कबाब भी इसी तरीके से बना के बता रही हूँ। दूसरा भी इसी तरीके से बना लेंगे। अच्छा, थोड़ा बड़ा पोर्शन लेंगे हाथ में। इसी तरीके के सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे पहले, बाकी के भी जो भी है सब मिक्सर का मैं कबाब बना लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए, ये मेरे कबाब बन गए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अलग सा लुक दूंगी, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया सारे कबाब के ऊपर ऊपर लगा देंगे, तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा अलग लगेगा। हल्का हल्का से लगाएंगे, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं।
थोड़ा सा नया लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और कुटा हुआ धनिया लगा दूंगी। अब यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए पहले से रखा है। तेल जब हमारा मीडियम पे गरम होगा तो हम उस पर कबाब ऐड कर देंगे। फ्लेम को एकदम हाई पे नहीं रखेंगे, मीडियम पे रखेंगे, मीडियम टू लो थोड़ी देर के लिए, फिर मीडियम पे कर देंगे। हाई फ्लेम पे हमें कबाब को फ्राई नहीं करना है, ऊपर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। जितने भी एग्जेस होंगे मैं उसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन आएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जलाना नहीं है एकदम। फिर उसका हम साइड चेंज करेंगे, एक साइड से हमें अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। मैंने जो ऊपर से चिली फ्लेक्स और धनिया लगाई थी ऊपर से, वो हिस्सा पहले ऊपर रखेंगे, नीचे का फ्राई कर लेंगे, फिर बाद में वो हिस्से को हम पलटी मारेंगे। अब मैं सारे कबाबों को उसका साइड चेंज कर दूंगी। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आ गया इसमें, बस हमें ऐसे ही चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब मीडियम फ्लेम पे आप जब फ्राई करते हैं तो आप अंदर से भी कबाब बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके का कलर चाहिए, अच्छा सा कलर आ जाएगा। उतनी देर हम सेक लेंगे, बहुत कम से कम 6-7 मिनट जो भी आपके लगेंगे मीडियम फ्लेम पे सेकने में। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा एकदम डार्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम लाइट भी नहीं, कच्चा है, अच्छा गोल्डन कलर है। अब इसे हम निकाल लेंगे। बाकी के कबाब भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये हमारे दही वाले कबाब बन के रेडी हो गए हैं। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, थोड़ा अलग लगेगा टेस्ट इसमें। बहुत ही सॉफ्ट अंदर से बन के तैयार होते हैं एकदम। बहुत से कबाब होते हैं कि फ्राई करने के बाद एकदम हार्ड हो जाते हैं, मतलब कड़क जैसा, लेकिन ये कबाब एकदम सॉफ्ट रहते हैं। आप लोग भी ट्राई करके देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।